नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछी मुनिवेदिता बुलेटिन आरंभ करिबा ले प्रथमे हेडलाइंस राज्य में दलमुहा कोरोना संक्रमण गत 24 घंटा में 3631 पॉजिटिव खोर्धार सर्वाधिक 506 और कटक 438 आक्रांत चिन्हट और 39 मुंड नहीं महामारी राज्य में आज अनलॉक आरंभ 14 दिन पर लॉकडाउन आंशिक कोहल 17 जिले में कटका अधिक कोहल राजधानी समेत 13 जिले में दुकान बाजार 11 परिवर्ते गोटाए जाए खोला बाकी सब कटक बलबत्तर नयगढ़ कुनी बेबी को मारा किए पुणी परी घटनार पुनरावृत्ति निखोज पांच दिन पर मिला नाबालिकार मृतदेह जड़े अटक सूचना अंग तस्करी आंगेल में पुलिस कर तदंत उठला प्रश्न धरा पड़ा ट्विटर सांप्रदायिकतार खेल सोशल मीडिया प्लाटफर्म पर एवं बढ़ला अड़ुआ जाशु हिंसा बढ़ावा भली भिड भाइराल करने अभोग मामला रुजु ट्विटर को जवाब मांगा उत्तर प्रदेश पुलिस चर्चा अभिनेता सभ्यों स्माइल फोर्स सुपर गर्ल्स कोविड रोगी सहायता पर आगे आसे महिला आइसोलेशन रोगी को निजे दे खावा पार्सल सह मेडिसिन सोशल मीडिया में छुटला प्रशंसा एवं कटका भितर सर प्रसिद्ध शीतलष्ठी जात्रा मां पार्वती हाथ धरले बाबा महादेव बहा मंडपे जुगल बेसरे पूजा पाइले देवदंपति राज्य में लगातार भाव में कमिबारे लागिछि कोरोना संक्रमण गत 24 घंटा मध्य राज्य में 3631 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होते एम 2069 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले स्थानीय संक्रमण 1562 जन पॉजिटिव चिन्हट होते आज खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 506 जन आक्रांत चिन्हट कर गत 24 घंटा मध्य कटकु 438 जन जाजपुर 305 अनुगुल 204 बालेश्वर 262 चिन्हट होती तेज वर्तमान पर्यंत राज्य में 866692 पजिट चिन्हट होती से 817369 जन सुस्थ होती एवं भी 45809 जन सक्रिय संक्रमित रही गत 24 घंटे 5579 जन आक्रांत सुस्थ होती पश्चिम ओडिशा रे स्थिति नियंत्रण को आसीबा परे उपकूल ओडिशा को एबे फोकस करा जाउछि अधिक संक्रमण थिबा जिला रे अधिक टेस्ट करा जिबा सह डोर टू डोर सर्वे व्यापक करा जिबो ऑफिसर जिलापाल सजाग अछंती अधिक फोकस करा जाउछि पर्यायक्रमे पश्चिम ओडिशा रे आरंभ होई उपकूल को आसीथिबा संक्रमण धीरे धीरे ह्रास पाइबा स्वाभाविक प्रक्रिया आरंभ होउछि आज 18 जिले में 2 अंक को खसीछि दैनिक संक्रमण संख्या तबे बाकी जेउ जिले में अधिक अछि सरकार जेउ भली पदक्षेप नेउछंती आगो को या कमिबो हाराहारी 6% रहउछि संक्रमण हार जेउ जिले में अधिक रहउछि आशा करा जाउछि ए मास शेष सुता बहुत कमिजिबो आईसीयू परिचालना नै प्रतिक्रिया रखिछंती जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र ये गोटे स्वाभाविक प्रक्रिया आपन जिन देखिले वेस्टर्न इंडिया रे आरंभ होला तांकर खसिला आमर तापर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को आसला सेमिति आमर भी गोटे पर्यायक्रमे पश्चिम ओडिशा रु व्यापी के आसी तांकर सेपट कमीमा आरंभ होला ने आपन जान जे आज प्राय 18टा जिल्ला रे डबल डिजिट रे अछि 100 तळे अछि बाकी ये जो जिला स्लाइटली अधिक अछि सेमान भी पर्यायक्रमे आम जहाँ कार्यक्रम चलीछि जो भली भाव रे टेस्टिंग चलीछि जो भली रे डोर टू डोर सर्वे चलीछि सी भी नियंत्रण भितर को आसीज कहीं पूरा राज्य में बर्तमान आप जानते हाराहारी 6% पाखापाखी टीपार रोच राज्य में मौसुमी वर्षा जारी रही गुरुवार सका विभिन्न जिले में स्वल्प मध्यम धरणर वर्षा होता अनुमान करा तबे जून 19 तारीख पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा होगा नहीं आकलन कर आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र आज मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्दुझर सुंदरगढ़ जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा और 18 तारीख में देवगढ़ अनुगुल सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर केन्दुझर और बरगढ़ जिले में गोटे कि दुईट स्थान में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही 19 कलाहांडी नुआपड़ा कोरापुट गंजाम में स्थाने स्थाने प्रबल वर्षा होवार संभावना रही 20 तारीख में उत्तर ओडिशार अधिकांश स्थान और 21 समग्र राज्य में पाग सुखिला और खराटिया रही आकलन
बारिपदार आम प्रतिनिधि रंजन दास बाबदे आलोचना जोड़ रंजन मौसुमी वर्षा वर्तमान राज्य में आरंभ हो गलाणी जहाँ कहुची पापाग विशेषज्ञ आकलन वर्षा स्वल्प मध्यम धरण से अधिकांश स्थान में आरंभ हो गलाणी तेज बारिपदार केमी वर्षा हो रंजन सहित जोजोग कालूचरण पाखक जा मो ब्रह्मगिरी प्रतिनिधि कालूचरण आम सहित जोड़ कालूचरण जदि कह मौसुमी बर्तमान ओडिशा छुई सारी वर्षा आरंभ हो गलाणी आप देखिए लगातार दुई तीन दिन है जहाँ कहला रज समय ओडिशा भिजिब वर्षा होता आज जहाँ पापा विशेषज्ञ आकलन जे प्रबल बर्ष तेज ब्रह्मगिरी चित्र कौन निश्चिंत भाव निवेदिता जी वर्षा कथा कहवाक जा पुरी जिले में वर्षार झिपझिप वर्षा होनेक जगार किसी अधिक धरण वर्षा होती चित्र सामना आसो झिपिझिपी वर्षा निश्चित भाव में क्योंकि ना के लोक प्रभावित कलापर आशंका प्रकाश पाँच कारण कहीं जितेबाद झिपझिप वर्षा दुदिन है लगातार भाव रज पहली रज ठीक आरंभ हो आज सकाल ठार्थ वर्तमान सुधा वर्षा लग रही झिपझिप वर्षा होती अंपक वर्षार प्रभाव पकई पारे अनेक किसी लोक कहीं जो मैंने भी अच्छा कच्चा घर मानक गोटे प्रकार यह गोटे प्रकार मानते विपद पाल्टी पारे कारण कच्चा घर जो मैंने अच्छा से घर ये वर्षा पा भिजार संभावना रही है अनेक किसी जो चिलिका निकटवर्ती गाँव गुड़ाक रही गोटे प्रकार भयभीत अवस्था अच्छा नदीकूल जो गुड़ाक रही है नदीकूल ग्रामवास मैंने गोटे प्रकार भयभीत अवस्था अच्छा कारण कहीं वर्षा झिपझिप वर्षा होनेक नदी बंध पूरी जिले में से मटी बंध रही जहाँफल कि वर्षा जी लग रही है ये भाव में निश्चित भाव में जो बंध मानक मटी धोब निश्चित भाव में गोटे प्रकार विपद परिस्थिति सृष्टि होगापर आशंका प्रकाश पाँच वर्षा को देखी जो जी चाषी मान कथा कहवाक जा चाषी मान गोटे प्रकार प्रभाव पक कारण जो धान मंडी में धान गुड़ाक रही से नष्ट जहाँ को नहीं कि गोटे प्रकार पूरा संपूर्ण भाव में पूरी जिलावासी एक प्रकार भयभीत अवस्था अच्छा वर्षा लग रही वर्षार थमवा ना दौनी कि गोटे पटे गुगुई होने वर्षा जो झिपझिप वर्षा लगे ये चित्र क्योंकि ना के गोटे प्रकार पूरी जिलावासी को भयभीत कराई विशेष भाव नदीकूलिया गाँव गुड़िक प्रकार भयभीत अवस्था अच्छा कारण कहीं धीरे धीरे वर्षार झिपझिप वर्षा होते धीरे धीरे वर्षा लग रही जेहतु वर्षा छाड़ा ना धरनी वर्षा लग रही से नदीकूलिया गाँव मैंने गोटे प्रकार भयभीत अवस्था अच्छा अपरपक्ष जो मैंने कच्चा घर अच्छा जो मैंने चिलिका निकटवर्ती गाँव गुड़ाक रही है जेहतु पलिथिन कूड़िया घर भितर रोचे मनरे भय अच्छी ओके निहांती भाव में कालचरण जो समुद्रकूले अंचलवास रही विशेषकर जो चाषी मैंने रही द्वारा वर्षा हवा द्वारा से प्रभावित हो पारती कालचरण जहाँ आम प्रतिनिधि सूचना देते तेज रंजन दास आम बारिपदा प्रतिनिधि आम सहित जोड़ रंजन जदि कहपाग विशेषज्ञ आकलन उन्नीस तारीख पर्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा हो तमाम राज्य में यारी मध्य एक तारीख पर्यंत स्वल्प मध्यम धरण वर्षा हो तादे आज कथा जदि कह अर्थात सत तारीख मयूरभंज रही है जो सब जिलागुड़ी में अधिक वर्षा होवार संभावना रही तेज बर्तमान स्थिति कौन बारिपदार वर्षा आरंभ होला कि देखो तो निश्चित पक्षे आम कहीपर जो वर्षार कथा कहे जो मौसुमी प्रभाव में वर्षा रही गत काली वर्षा तुहा कु तुहा टिके मझे मझे हवा देखा मिलता तेज गाँ आम मयूरभंज जिला कथा जब संपूर्ण कह जो शिमिलीपाल अंचल अच्छी तार परेषित जो पाखापाखी अंचल अच्छे से सब अंचल अधिक वर्षा होती जहाँ सूचना मिली सहर मध्य जदि भी अल्प वर्षा होती तथा आप देखिपे आकाश बर्तमान मेघाच्छन्न कर रखी वर्षा आगामी सूचना मिलूँ आगामी अल्प समय भितर वर्षा भी हो पाए जहाँ जमापड़ी देखो आप सीधा सड़क मुझे चित्र देखा जी देखो ये रास्ता सीधा उदा होकर रही बर्तमान जस्ट यही बर्तमान कहुपे जहाँकि वर्षा किसी समय पूर्व छाड़ी ये समय समस्त सूचना को जब लक्ष्य कर आगामी जो वर्षा आसव ये वर्षार निश्चय अधिक रु अधिक वर्षा हे जो कहु रास्ता घाट ठू आरंभ कर समस्त बर्तमान पानी में उदा होकर रही तेज जो वर्षा आसव ये बनार आशंका एड़े दि जाए नपर आपको ना कि गोटे प्रकार जो कह तेज जो वर्षा जो पापाग विभाग जो कहे उन्नीस तारीख पर्यंत जो वर्षा भीषण रु भीषण वर्षा हबार जो आकलन करके ओके बहुत बहुत धन्यवाद रंजन दास आम बारिपदा प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी थे से कहते जो वर्षा मयूरभंज में आरंभ हो गला कहुच्छे जेहतु शिमिलीपाल अंचल रही है अधिक धरण वर्षा हुए पापाग विभाग जो आकलन आसंता
19 तारीख पर्यंत तमाम राज्य में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हो यार मध्य 21 तारीख पर्यंत स्वल्प रु मध्यम धरणर वर्षा होवार संभावना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन दास आम प्रतिनिधि जोड़े आसत कालचरण साहू आम ब्रह्मगिरी प्रतिनिधि आम सहित जोड़े बाबद आलोचना कर नयगढ़ परी घटनार पुनरावृत्ति निखोज पांच दिन पर मिला परित्यक्त स्थान बेबीर मृतदेह नयगढ़ बाणीगोछा थाना धुंदुगाड़िया ग्रामर छ वर्ष शिशुकन्या बेबीना नायक मृत्यु घटन बढ़ला सस्पेन्स एपटे पुलिस तदंत कौचि दुष्कर्म पर हत्या जड़े अटक नहीं नयगढ़ एसपी सूचना एवं प्रश्न बेबी को किए कहीं हत्या कला यह पचर संगठित पिला चोरी राकेट्र हाथ अच्छी कि बाहुनी बाहुनी भूईरे लोटी जाउछि मा जियो को खोजी खोजी मारे अवस्था से विश्वास करि पारुनी ता बेबी आ फेरी पनी ता ओली ओली जियो चली जाइछि अफेरंता रहि छ बापार आखिर भी बेबी नयगढ़ में परी घटनार पुनरावृत्ति निखोज पांच दिन पर मिला बेबीर मृतदेह नयगढ़ बाणीगोछा थाना धुंदुगाड़िया ग्रामर छह वर्ष शिशुकन्या बेबीना नायक गत पांच दिन तले गाँ दाटे खेलुवा बेले हठात निखोज हो जाता बेले आज गाँ पाख एक परित्यक्त स्थान उधार है बेबीर मृतदेह नयगढ़ एसपी सिद्धार्थ कटारियों नेतृत्व में एक टीम आज सर्च ऑपरेशन चलता बेले बेबीर खंड विखंडित गणित मृतदेह मिलता नहीं सूचना देते अंपक्षे घटन जन को अटक रखा जा सूचना देते नयगढ़ एसपी सिद्धार्थ कटारिया केस सॉल्व हो गला नी है ना एबे हमारा इन्वेस्टिगेशन चली छी और हमें माने प्रमाण और सबू लगाई के हम करू छी ठीक एबे जस्ट डेड बॉडी मिला तो सेति पई से बेसी प्रोसेस प्रोसीजर हो छी गत वर्ष जुलाई मास रे नयगढ़ जोधपुर परी सहित भी एमिति होइतिला परी भी गां तांटरे खेलुतिला बेबी भी खेलुतिला उभय को अपहरण समान ढंग रे उभय को गणित सब उधार हला अपहरणर किछि दिन परे एबे प्रश्न बेबी को किए काहेकि कला हत्या एहा पछरे संगठित पिला चोरी राकेट रो हात अछि अंक तस्करी दिगरे तदंत करिबो त पुलिस ना परी भली चोर को दोषी देखाई चापी देबो पुलिस ए जो बेबी रो घटना रे आमे अत्यंत मर्माहत आपण को माध्यम रे आमे जणैबा को चाहू आ केते प्राण नेले ए प्रशासन को शांति मिलिबो ए पुलिस एसपी एवं कलेक्टर तुरंत प्रोएक्टिव हेकरी कार्यक्रम ग्रहण करंतु अन्यथा समय लॉकडाउन रो शटडाउन रो समय अछि अन्यथा आपको विरोधी दल रखै देबे नाही देखो तो गांव रे जनसाधारण बदे सहर ऊर्ध न थिए किंतु पुलिस सहर ऊर्ध अछंती से कॉर्डन करी रखि छथि काकु छाडू नांती सेठी गोटे संदेहजनक कथा उठिछि त कोन घटना घटिछि ए कोन हेछि हेथियो बोलिया हमर विश्वास आपन विश्वास गाँ लोक हिंपर पुलिस हिंपर जेहेतु आम से प्रकृत स्पट को जापारू तार अनुसंधान कौन घटे असुरक्षित नाबालिका खसी जापराधी राज्य में पिला निर्यातन दंड विधान हार भी मात्र 17% ब्यूरो रिपोर्ट नयगढ़ शिवराम महापात्र रिपोर्ट राजधानी भुवनेश्वर दुर्बृत्तों आतंक राजखंडगिर थाना अंतर्गत गंडमुंडा लेन तीन रे एकाधिक गाड़ी भांगिले दुर्बृत्त आठ रु दस जन हाथ में ठेगा बुजाली खंडा धरी आसीथिबा सूचना मिली दुर्बृत्तों आक्रमण में कार और बाइक भांगी चुनमार होइछे विलंबित राति रे ए घटना घटीथिबा कहुछे बेआईन तेल डिपो उपरे पुलिस चढ़ऊ जाजपुर जिला धर्मशाला थाना अधीन श्रीरामपुर थारे एही चढ़ऊ करा जायछि वर्ष वर्ष धरी चंडीखोल पारादीप जातीय राजपथ टोलगेट निकट रो विभिन्न तैल कंपनी रो गाड़ी गुड़ी करू किछि स्थानीय तेल माफिया और ट्यांकर गाड़ी ड्राइवर माने गाड़ी रु तेल काढ़ी विभिन्न स्थान को बिक्री करुथिबार अभियोग होइतला और चोरी होइतबा तेल पाखरे थिबा तेल बेआईन डिपो रे गच्छित रखा जाउथिला
ଖବର ପାଇ ଧର୍ମଶାଳା ପୁଲିସ ବେଆଇନ ଡିପୋ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିବା ସହ 80 ଲିଟର ଡିଜେଲ ଜବତ କରିଛି। ରାସ୍ତାରୁ 2 ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗାଡି ଜବତ ହୋଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୁଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ଭାଲୁ। ଭାଲୁକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ନାକେଦମ ହେଲେ ବନ ବିଭାଗ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ମିତ୍ରପୁର ବଣିଆ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ। ରାତିରେ ଭାଲୁଟି ପାଖ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସିଥିଲା। ଭାଲୁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ନପାରି ବଣିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ରହିଯାଇଥିଲା। କିଛି ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଲୁକୁ ଦେଖି ରଡ଼େ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଲୁକୁ ଦେଖି ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବନ ବିଭାଗ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ଭାଲୁଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇଥିଲେ। ପରେ ଭାଲୁଟି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଟଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଲାଣି 7 ବର୍ଷ, ତଥାପି ହୋଇପାରିନି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯିବ। ଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଣ୍ଠେଇଛି ODRP ଯୋଜନା। 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଣ୍ଠେଇଛି ODRP ଯୋଜନା। ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍କୁ ମରାମତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି 7 ବର୍ଷ, ତଥାପି ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି କାମ। ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଜଳକା ସାଜିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ଏ ଯନ୍ତା ଉପରେ। କେମିତି ସାରା ରାସ୍ତାରେ ଲୁହା ଛଡ଼ ବାହାରି ଠିଆ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହି ଲୁହା ଛଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ, ଆଉ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ। କେବଳ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ ଟିକେ କରି ଖୋଲା ମେଲାରେ ମୁକୁଳା ହୋଇପଡ଼ିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫାଇଲିନ୍ରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 2014 ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖରେ ODRP ଯୋଜନାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 296 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବସ୍ତିର ଆଧୁନିକରଣ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସହ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବାକୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର କେବୁଲିଂ କରିବାର ଯୋଜନା ବି ଥିଲା। ଅନୁଦାନ ମିଳିବା ପରେ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ହାତକୁ ଏହି କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭିତରେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ମିଶାଇ 5ଟି ରାସ୍ତା ରହିଥିଲା। କିଛି ରାସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଆମ୍ବ ମାର୍କେଟ ଛକ ଯାଏ ରାସ୍ତା 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବେଳେ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସୁଛୁ, ଏସେ ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ବି ଗୋଟେ ମାସେ ତଳେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଲା, ଫିର ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ ବି ହେବାର ନାହିଁ। ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ ହେଲେ ବି 2-3 ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଲାଣି ଏଥିରେ। ଆମେ ନିଜେ ବି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିକିରି, ଆଉ ବାକି ବର୍ଷ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BMC ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମଟା କରନ୍ତୁ, କିଏ ବି କରିବାର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବାର ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, BMC ବି ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେଇଛି। ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ନଥିବ ବୋଲେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିରେ କହିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଓ 2-3 ପିଲା ଏଥିରେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ଏଥର ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଭୟ ଲାଗେ। କେତେ ଦିନ ଆସିଲେ କେମିତି ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାହା କଥା। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପୁରା ଭୟ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏବେ ଟିକେ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ଆଗେ ସବୁ ବାନ୍ଧ ହେଇନଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଛି ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମସ୍ୟା। ଲୁହା ଛଡ଼ ଆଙ୍କରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିଛି, ଟିକେ ପବନ ହେଲେ ଧୂଳି ଏବଂ ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଖପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ନିଘା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ କାମ ସାରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପୁନର୍ବାର, ସେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିକାଶ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବେ। ଆମର ODRP କାମ ପ୍ରେମନଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆମର ଏହି ODRP କାମରେ ଆଲୁଅ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି PHD ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେବୁଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରୋଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ ସୋରେଜ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ହେବାର 4.5 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅଲରେଡି ଆମର କାମ ଚାଲିଛି, ଅଲରେଡି ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ନୂଆ କାମ ପାଇଁ ହୋଇଛି, ODRP ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାମ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ଆମେ ପରସ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟେସନ ରହୁଛି, ସେଠି ଲୋକ କେମିତି ହଇରାଣ ହେବେ ଆମେ ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଲୋକେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଏବେ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଦିନେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଆଣ୍ଠେଇଛି ସରକାରଙ୍କର ODRP ଯୋଜନା। ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବେ ରହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଜନ୍ତା ଭିତରେ। ଠିକାଦାରର ଦେଖା ନଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର BMC ସାଜିଛି ଜଳକା, ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ଆଗକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମସ୍ତ ରିଚ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଡ଼ିଶାର ଛୁପିଦା ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।